स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्या गिवन है इसमें? ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ये मुझे पहले मैंने देख के लगा नहीं कि सीजीएल में आया हुआ है, मतलब ये सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था। सीजीएल में शायद ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है इस वजह से। आओ स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है? कोई सीरीज है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 और प्लस 4 × 5, ठीक है, ये आपकी सीरीज है। ऐसे इसके टर्म्स हमें गिवन है और इसके ही फर्स्ट 20 टर्म्स हैं, उसका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक है। अब देखो, एक एक टर्म निकालो फिर उसका सम निकालो, वो तो बहुत गलत बात, मतलब सही चीज नहीं है कि एग्जाम में जिसमें आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। तो इसमें देखो क्या करना होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से समझना। जो आपका देखो ये फर्स्ट वाले टर्म्स देखना सबके, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे ही क्या चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ऐसे अगर यहाँ देखोगे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये भी क्या चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 चल रही है और दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई है ना। ये एक पहली एपी का टर्म है 1 और ये एक पहली एपी का टर्म है 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एपी का टर्म है, फिर एपी का टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको डील कैसे करना है, बहुत इजी वे से बताता हूँ। देखो डील कैसे करना है इसको, आपका क्या हो रहा है, AP1 × AP2 ऐसे आपका टर्म बन रहा है। तो हमारी जो पहली एपी है, हम एपी का कोई भी टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, A+N-1 × D कैलकुलेट करते हैं, और A+N-1 × D, ए और डी दोनों में अलग हुआ लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों के सेम है ना, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के सेम है। तो ए की वैल्यू पहले वाली एपी के लिए, पहला टर्म फर्स्ट 1 है, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1, मतलब एक एक से वो बढ़ता जा रहा है। इस वाली में कॉमन फर्स्ट टर्म 2 है और N-1 और कॉमन डिफरेंस इतना है 1 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 + N-1 ही आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 + N-1, इधर इधर 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या N, इधर क्या बचेगा, इधर N+1 बच जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो N × ये हमें N² दे देगा प्लस N दे देगा, ये हमारा आ जा रहा है। अब इसका हमें क्या निकालना है, समेशन फॉर 20 टर्म्स, हमें इसका समेशन निकालना है फॉर 20 टर्म्स। कैसे निकालेंगे, आपको ना इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। N² का फॉर्मूला होता है N × 2N+1 × N+1 होल डिवाइडेड बाय 6, और N के लिए फॉर्मूला होता है N × N+1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो N के लिए मैं लिखता हूँ N × 2N+1 × N+1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस N के बदले N × N+1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब N मतलब सम कितने टर्म्स का निकालना है, 20 टर्म्स का, तो 20 × 2 × 20 40 + 1 41, 20 × 1 20 और ये 6 प्लस N की वैल्यू हो गई अपनी 20 21 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 से कटेगा, 3 7 3 2 2 1 2 5, तो कितना आ गया, 7 5 35 और 35 × 41, ये यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं अभी। और इसमें क्या आ रहा है, 2 10 210 × 21 × 10। देखो इसमें से कॉमन आउट हो रहा है, तो जो जो कॉमन हो रहा है हम निकाल लेते हैं, 7 कॉमन आउट हो रहा है, तो 7 5 35 × 41 और 7 3 21 × 10। अभी भी 5 कॉमन हो रहा है वो भी निकाल लेते हैं, 5 कॉमन हो जाएगा तो 7 5 35, तो 41 प्लस यहाँ से 3 2 6 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचे, बस 35 × 47, ठीक है। तो 35 को अगर मैं 40 बार कर दूंगा तो 3 4 12 और 5 4 20, तो ये तो 1400 बन गया। 35 को अगर मैंने 40 बार किया, कुछ मैंने मिस्टेक शायद कर दिए फिर कैलकुलेशन में, इसलिए फिर कोई मिस्टेक मैंने कर शायद तक वो 3 12। हाँ से मैंने काट दिया, मैंने ये मिस्टेक की है, ये मैंने 2 5 20 काट दिया, ये 10 होना चाहिए था, ये 2 10 20 होगा, है ना। यहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं, वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक वहां पे कर दी थी, उसके लिए सॉरी, क्षमा मांगता हूँ मैं, उसको फिर से कर लेते हैं, वेट, वहां से फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा एन कितना, 20 टर्म्स है, 20 × 2 × 20 40 + 1 और ये 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 20 × 21 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2 2 10, तो ये तो 210 आ जाएगा, 3 2 6 3 7 21 2 1 2 10 20,
तो ये आ जाएगा आपका 70 × 41। हाँ अब सही है, तो 7 4 आपका कितना बन जाएगा, 7 4 आपका बन जाएगा 2870 और 210, 8 3080 इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर जाएगा। तो बेसिकली ऐसे इन सीरीज का समेशन निकाला जाएगा। अभी भी कोई समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बस कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा तो जिसमें कुछ और क्वेश्चंस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन और करूंगा। इसके एक मेथड नहीं होते, दो मेथड और है जो मुझे पता है, उनसे भी कैलकुलेट करना ये मुझे ज्यादा सही लगता है तो मैं इससे करता हूँ। बाकी एक मेथड और है, और एक दो मेथड है और, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट कर देना जैसे।